तो अभी वाला जो व्लॉग है वो अभी फिलहाल सिर्फ इसके बारे में, अपने कैमरे के बारे में, तो इस वजह से इस वाले घर के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ तो भाई, अभी हम निकल चुके हैं फरीदाबाद के लिए। और फरीदाबाद में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत पुरानी और ख़ास चीज़ है जो मैंने पिछले साल दिसंबर में ली थी, और उसकी अनबॉक्सिंग मैंने उस टाइम पे करी नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग उस टाइम पे बनाता नहीं था, और इस टाइम पे भी मैं वैसे ज़्यादा व्लॉग बना नहीं रहा हूँ। लेकिन अब भाई थोड़ा सा फिर से ध्यान आ गया है कि हाँ भाई, अपना यूट्यूब चैनल है, तो इसीलिए मैंने कहा अनबॉक्सिंग किसी नई जगह पे करते हैं। फील आनी चाहिए ना अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो इसीलिए फरीदाबाद जा रहे हैं। और वो चीज़ ऐसी है ना कि मेरे को लेनी तो बहुत पहले से ही थी। जिन लोगों को वैसे पता है उन लोगों को तो हंसी आ रही होगी सुनते ही, क्योंकि मैं इसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे पहले डाल चुका था जब मैंने ये कैमरा लिया था। और थैंक यू सो मच जिन लोगों के उस टाइम पे कॉन्ग्रेचुलेशन आए थे, वैसे तो मैंने जब बोल दिया था लेकिन एक बार व्लॉग में फिर से बोल दिया। तो अभी जा रहे हैं हम फरीदाबाद, और यहाँ से करीब 50 किलोमीटर्स पड़ेगा। और आज मौसम सही है, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है लेकिन चलता है इतना तो, क्योंकि तबीयत डाउन होने के बाद भी मैं इतना झेल लेता हूँ कि हाँ मैं कहीं बाहर आ जा सकूँ। क्योंकि कल पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ठंड लग गई क्योंकि सुबह ठंडा मौसम था और मैंने अपर वगैरह कुछ पहना नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा वीक फील कर रहा था मैं। पर आज आपका भाई फुल एनर्जेटिक है और इस वजह से ही मैं फरीदाबाद निकला था, वरना मैं निकलता नहीं हूँ ऐसे जब बीमार रहता हूँ भाई। अब कोशिश पूरी की जा रही है वैसे कि ब्लॉग कंटिन्यूसली आते रहें, एक फ़्लो बनता रहे, आप लोगों का देखने का फ़्लो बनता रहे और मेरा बनाने का बनता रहे, बस यही भाईचारा चलता रहेगा। और मेरे भाई दावे दोनों साइड के जो साइड मिरर है ये थोड़ा सा टाइट करवाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि इन दोनों की पोजीशनिंग थोड़ी सी ख़राब है। अगर मैं इन्हें एकदम सीधा करूँगा तो फिर ये घूम करके वैसे ही हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े, तो मैंने इन्हें ऐसे घुमा के एक जगह सेट कर दिया है। तो ये आ गया अपना शास्त्री पार्क, भाई साहब इसका हो गया है फ्लाईओवर तैयार और बड़ा सही बना दिया है ये। इस साइड से ऊपर से निकल जाओगे आप, और अब ये वाला जो कट है ये बंद कर दिया है। अब आपको सामने से जाके फिर यू टर्न लेके घूम के फ्लाईओवर पे चढ़ के तब सीधे कश्मीरी गेट के लिए जाना पड़ेगा। जो लोग इस साइड रहते हैं उनको बता रहा हूँ। तो ये बड़ी मस्त चीज़ कर दी है इन्होंने जाम से बचने के लिए, वरना पीछे जिस रेड लाइट से मैं अभी आया हूँ शास्त्री पार्क की, वहाँ बहुत जाम रहता था, ऐसा हालत ख़राब हो जाती थी। अरे 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 अंकल, कुछ ज़्यादा सामान नहीं रख रखा आपने? ओहो, और ये आसमान की ऊंचाइयों में फुल मज़े लेते हुए। कीमती चीज़ अपनी जो बहुत पुरानी जो मन की इच्छा थी वो पूरी करी थी हमने दिसंबर में। तो ये है कैनन ईओएस M50 और ये बड़ा ही सही कैमरा है। ये कहते हैं इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये मतलब इसका जो स्टॉक लेंस है वो वाइड एंगल लेंस है ऑलरेडी। तो बाकी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी इस वाले घर में जो है सामान बहुत कम है। सिर्फ ये सोफ़ा मैंने जो डाला हुआ है ये है, और एक ही लैंप आप साइड में देख रहे हो ये है, तो इस वजह से थोड़ा सामान कम है, ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है। और इसको करते हैं चलो अनबॉक्स, क्योंकि ये बहुत पुराना प्रोडक्ट मेरे पास ऐसा रखा था लेकिन मैंने इसका व्लॉग बनाया नहीं था, बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने कहा यार इसका व्लॉग नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये मुझे यूट्यूब मतलब ये अपने व्लॉग में दिखाना बड़ा ज़रूरी था मेरे को। वैसे ये मैंने लिया है लाजपत नगर फ्यूचर फॉरवर्ड से, बड़ी सही शॉप है और वहाँ पर सारे प्रोडक्ट एक नंबर मिलते हैं। तो ये वैसे 49 का था उस टाइम पे जब मैंने दिसंबर में लिया था, मुझे ये पड़ा था 47,500। तो शाउट आउट टू फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर, तुमने जो सस्ता करा है ना ये उपकार हमेशा याद रहेगा हमें।
तो चलो इसको खोल के देखते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसके अंदर आते हैं, ये सबसे पहले ही यूज़र मैनुअल दे देते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। फिर इसके साथ ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप होती है कैनन वालों की, उसका ये कार्ड दिया था हमें। फिर उसके बाद ये इसका जो है ये स्टॉक लेंस इसके साथ आया है, ये है 1545 mm लेंस और ये बड़ा ही सही लेंस है। ये ऑलरेडी वाइड एंगल है तो मैंने इसीलिए अलग से कोई अभी लेंस लिया नहीं यार, इस पर इतना खर्चा कर दिया था। और फिर इसके साथ ये इसकी वायर है चार्जिंग की, ये रहा इसका बैटरी का चार्जर एडाप्टर। फिर उसके बाद आती है ये चीज़, ओके ये है कैनन EOS M50 यार, बड़ा प्यारा कैमरा, ये मिरर लेस है छोटा सा। कैनन EOS M50 सबसे खास फीचर जो इसका मेरे को लगता है वो है फ्लिप आउट स्क्रीन। ये मतलब ऐसे घूम करके और ऐसे करके आप आराम से ब्लॉग कर सकते हो। इसके साथ एक्सटर्नल जो है माइक लगा सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब से आगे की सारी ब्लॉगिंग जो होगी ना वो इसी से होने वाली है, क्योंकि फ़ोन से ब्लॉग मैं हर टाइम नहीं कर पाता यार, मैं एक ही फ़ोन यूज़ करता हूँ और इसको मेरे को एयरप्लेन मोड पे डालना पड़ता है जिससे कि कोई कॉल ना करे पीछे से तो वीडियो रुक जाती है। तो सडनली शूट करने के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी आराम से, काफ़ी लाइट वेट है ये कैमरा और मिररलेस है, इसीलिए मैंने मिररलेस लिया था, शुरुआत ही इसी से करी है। इसको चेंज करते हैं और फिर अभी आईफोन से शूट हो रहा है ये जितना भी अभी तक का देखा आपने, लेकिन अब एंगल चेंज करते हैं। अब मैं एक बार इधर इसका लेंस लगा देता हूँ, तो ये है इसका लेंस और अब ये लेंस जो है ये लगेगा कैमरे पे। तो अभी जो आप ये एंगल देख रहे हो ये कैनन EOS M50 से शूट कर रहा हूँ मैं और बड़ी सही क्वालिटी आ रही है और इसकी जो लेंस का एंगल है ना वो काफ़ी वाइड है। अब जो है अब सारे ब्लॉग्स इसे शूट होंगे और अभी यहाँ पर हम बैठ के इसको अनबॉक्स कर रहे थे और इसके सारे फीचर्स जो हैं मैंने पिछले एक साल में ये ज़्यादा यूज़ नहीं करा, क्योंकि अब जो दिसंबर आने वाला है तो इसको ऑलमोस्ट एक साल हो गया है, लेकिन मैं ब्लॉग इतने डालता नहीं अपने चैनल पे इसीलिए ये रखा रहता था। बाकी आईफोन से सारे ब्लॉग शूट हुए हैं। इस वाले फ्लैट में मैंने ये सोफ़ा कम बेड डाल दिया है, नीचे से ये निकल आता है बाहर और पीछे से यहाँ से ये लेट जाता है, तो बड़ा सही ये सोफ़ा कम बेड बन जाता है। और इस पर मैंने ये सेटअप थोड़ा सा किया था अनबॉक्सिंग के लिए, बनवाया था मैंने। और साइड में मैंने ये जो है एक लैम्प मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था ये, और ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसकी लाइटिंग तो अच्छी है ही, ऊपर से जब मैं आगे जब मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तो मैं इसको ऑन करूँगा और काफ़ी अच्छी लाइट उसमें वीडियो में दिख के आएगी आपको, और इस वजह से मैंने ये सेटअप बनाया था। अगर कोई चीज़ अनबॉक्स करते हैं तो वो अच्छा लगना चाहिए देखने में, क्योंकि क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है। एक बार ज़रा इसको लैम्प को मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये ऑन करने के बाद बड़ा सही लगता है। ओ भाई साहब, ये जो इसकी येलो वाली लाइट है देखा जाए तो थोड़ी सी डिम है ये, और अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला लुक। तो अब आने वाली वीडियोस में देखते हैं क्या क्या अनबॉक्स होता है ऐसा, और फिर उसके बाद बनाएंगे वीडियो। तो अभी वाला जो व्लॉग है वो अभी फ़िलहाल सिर्फ इसके बारे में है, अपने कैमरे के बारे में, तो इस वजह से इस वाले घर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब इसका ऑटो फोकस ऑन है और इसका सारा फोकस जो है वो मेरे फेस पे ही रहेगा। इसके सारे फीचर जो हैं मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे और ये अंडर बजट भी है, अगर 50,000 के अंदर किसी का बजट है तो वो ये वाला कैमरा ले सकता है। तो अभी थोड़ी देर और मैं यहाँ पर रुकूँगा, वैसे तो मेरे को इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी इसीलिए मैं यहाँ पर आज आया था। और बाकी इसके साथ एक बैग आया था, ये हर कैमरे के साथ एक बैग ज़रूर आता है, मैंने कहा इसको भी दिखाई देता हूँ अपनी वीडियो में, वरना लोग कमेंट करेंगे भाई आपको बैग नहीं मिला क्या साथ में। तो ये बैग काफ़ी अच्छा होता है, नॉर्मल क्वालिटी होती है इसकी, और सही बताऊँ तो ये ज़्यादा चलते भी नहीं है। मैंने इसका अंदर से एक साल यूज़ करके देख लिया, जो इसका अंदर से ये वाला हिस्सा होता है यहाँ से इसका फट गया था ये, लेकिन ठीक है इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं हुआ ना पिछले एक साल में, इसलिए अपना काम चल रहा है। शाम के बज रहे हैं लगभग 6:15 और काम यहाँ पर मेरा सारा हो गया है, अब टाइम हो चुका है यहाँ पे निकलने का, तो अभी निकलते हैं और मिलता हूँ आपको बाइक पे।
चेक ले सकता यार, क्योंकि इसमें स्टॉक लेंस ही आपका वाइड है, 1845 का लेंस है इसका, सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ इसका स्टॉक लेंस ही 1545 mm का है।